जरा सा भी शक जैसी कोई चीज जब मियां बीवी के बीच में आती है तो फिर दरार पड़ना शुरू हो जाती है। मैनू छड़ के ओ चंपैजियां ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਦੱਸੋ। लेकिन 5,000 नहीं दिया, 5 लाख लगा के इसके साथ शादी कर दी है। ब्लैकमेलर आदमी है ए, हमारा चन्ना ते पीछे वाल खोल के नहीं निकलना। भूखी मरेंगी तुम्हें दस दिया। मैं भी मरेंगे, रजंट ही भूखी मरेंगे। ओए ऐसे ना डालो, बेलचे से डालो। किसे गए तेरे चूचे? ऐदे अंदर की बाम नहीं रहा। की मैं तेरे दस दिया, मैं तेरे दस दिया, मैं तेरे, मैं बैठ जो तेरा, मैं ओ हाल करांगी कि तू घर जान जोगी भी नहीं रहनी। हाथ छोट मैं काम ते जाना ही। और तू फैसला कर ले, मोमबत्तियां बेच के माचिस लैण वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, और मैं आपको अपने शो दी जान रैम्बो शो में वेलकम करता हूं। ख़वातीनो हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पसंद करते हैं, मैसेज करते हैं। अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, आज का मौजू कुछ ऐसा है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बड़ा नाजुक होता है और बड़ा मजबूत भी होता है, जिसे बुज़ुर्ग कहते हैं कच्चे धागे से बंधा हुआ ये रिश्ता होता है। और ये रिश्ता तभी तक चलता रहता है जब मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत उसी वक्त तक कायम रहता है जब एक दूसरे पे एतबार हो, मोहब्बत कायम रहती है। और ज़रा सा भी शक जैसी कोई चीज़ जब मियाँ बीवी के बीच में आती है तो फिर दरार पड़ना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे फिर ऐसे रिश्तेदार होते हैं और ऐसे दोस्त यार भी होते हैं जो जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों से बच के रहना चाहिए। तो तशरीफ लाती हैं मिसेज मासूमा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, टडडम हो गया। हो गया क्या हुआ? मुंडा है की होना है, खाने खराब हो गए, मेरा कार उजाड़ के रहता। ओ कलमुई, मेरी सकी सहेली ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा खामद लै उड़ गई। हाय वे की सकी सहेली ने, आहो मेरी बेस्ट फ्रेंड, सब तो बेस्ट फ्रेंड इको सहेली जिंदगी च बनाई, मैं दूसरी सहेली नहीं बनाई, उन्हें मेरा घर खराब किया, मैं धोखा दे के मेरे खामद नाल विआह कर लिया। तो दोस्त दोस्त ना रहा, ये आप अपनी सहेली के लिए गा रही हैं? नहीं। अच्छा ये कौन है? ये मेरा साबका मंगेतर, ना वो मेरे ना मंगनी तोड़ के नस के कवेत जांदा, ना मेरे मथे है मखंचू मारिया जांदा। अच्छा तेरे फर्क कर दते, मैं ना भरोसा करना, मैं चावल दम ते लाने, भैणा वेखी जरा मैं बच्चे ले आवां। हाँ। कपड़े मशीन च पाए, भैणा जरा वेखी मैं बच्चे ले आंदी रही, उन्हें खामद ले ले। ये सहेली निकली, तुसी ध्यान करना, ताड़े घर ते कोई नहीं आंदी पाबी दी सहेली। दोस्त दोस्त, मैं तो चाहता हूं कोई सहेली आए, उसके आती नहीं है। आओ ताड़ा पिछला रिकॉर्ड भी खराब है ना। ल मेरा पिछला केड़ा रिकॉर्ड खराब है? पिछला ठीक है सारा। रैम्बो साहब मैं तुम्हें दस दियां, तुसी मेरे खावन नु कहना कि उस कल मोई नु तलाक दे दे, मेरे च किस चीज दा कट है? अच्छा आपकी सहेली ने आपके खावन को ले उड़ी, तो आपने इतना एतबार क्यों किया, क्यों उसे घर में घुसाया? ओदा है ही ओ एतबार अली, तुसी वेखोगे तुसी कि ए लगदा ही नहीं, क्यों किसी नु किसी दा खावन ले के चली जाएगी। मैनू कह रही सी मैं विआह करना ही नहीं। अच्छा मैनू प्यार नाल नफरत है, ओए होए मैनू मर्द जात नाल नफरत है। हाय हाय, सारी सारी रात बह के मुकेश दे गाने सुनने, मैं कह ते बिजरर जी औरत बैठी रहेगी, मैं कह भैणा हांडी वेखी मैं आ रही हां, उन्हें हांडी नहीं वेखी खावन देख ले। हाय हाय, ते खावन ने अड्डा कच्चा के जनाब ओ डिग भी पे, तानू पता खावन ते रंजदे ही हुंदे ने, केड़ा खावन है जेड़ा शरीफ है? की मतलब कोई पूरी दुनिया च एक खामद भी नहीं जड़ा शरीफ है, अगर कोई शरीफ है तो मजबूरन शरीफ है क्योंकि भाभी डैडी है। भाभी डैडी है। चले आप बैठे, मैं दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार, किस चीज की कमी है मेरे तंग लग जाए? नहीं किसी चीज की कमी नहीं, बेड़े गर्क हो जाए, बड़ा उदा बड़े ड्रामर का मुंह है जितने ब्याह कर ले। चलें बुला के देख लेते हैं कि उनका मुंह कितने ड्राम जितना है। तशरीफ लाती हैं इनकी वो सहेली जो इनका खामंद ले उड़ी। सहेली गुड्डी वांगू आज मैंने सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, हाय गुड्डी वांगू आज मन उड़ाई जा आ आ करके मेरा खामंद ले। एक मिनट आपने माइंड नहीं करना, नहीं करती मैं। आप गुड्डी की तरह उड़ सकती हैं, क्या हो गया आपको, कौन उड़ा सकता है? तुक्का लगा, तुक्का ले गया, गुड्डी नहीं है। जेलस है मुझसे। अच्छा। मेरी पर्सनैलिटी से जेलस है। पर्सनैलिटी च भी लोका दे सिक्स पैक होते ने, एदे दस पैक ने इत्थों इत्थे। मेरी ब्यूटी से जेलस है। नहीं नहीं एक मिनट आप सही कह रही थी, आपके खामन ने आपको छोड़ के
इनके साथ शादी कर ली, छोड़ा नहीं, आप निकाह में है? निकाह में हूँ, मेरे को ना छुप के ब्याह किया ऐ मज नाल रैड़ा किसे थादा। रेंबू जी तुसी ये दसो हांडी पसंद आंदी सी, उन्होंने मेरा ब्याह कर लिया, मैनू पौंक देता ना, मैनू तेरी हांडी पसंद नहीं। तेरी हांडी हुण बहुत घट पकड़ लग पई सी। आप बैठे तशरीफ रखे, कोने ने तेरे अल्लाह खैर, खाना खराब हो जाए तेरा। चले जी, ये हैं जी सहेलियां दोनों, और इनका मसला आपने सुन लिया। अब बुलाते हैं उस खामंद को, उनसे पूछते हैं कि इनमें किस चीज की कमी थी और इस इनमें किस चीज का वादा था कि उन्होंने इनके होते हुए इनसे शादी कर ली। तो तशरीफ लाते हैं वो खामंद। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, क्या शारों क्या शारों पे लगाया हुआ है आपने, ये देख ले। क्या बात है, जान बैठी मैं इधर आबिद इधर बैठ आके इधर बैठो आके। मैं उधर 20 साल बैठा रहा, मैं कख नहीं मिले। क्या मैं आया, मेरे सब कुछ मिले रहे, सब हांडी कैसी लग आपके जो बिल्कुल आपके साथ रहते हैं, मैंने उनको भी बुलाया। अगर आपने इस कपल को बना ला तो इसको बुलाने की क्या जरूरत। मैं तेरी बीवी आबद, मैं तेरी बीवी तेरा प्यार पुरानी कह रहे हैं और इनको नहीं कह रहे हैं। जी एक बात सुने, आप खाम खा मेरी जानू पे नाराज हो रहे हैं, जोर से मत बोले आप। अच्छा ठीक, बात सुनिए ना मेरी, आप इन्होंने सुना ना जाने। अच्छा बात सुने ना आप मेरी, हुण सुनोगे भी गल के हसदे रहोगे। गल ऐ हैगी है कि जेड़ी बीवी खावन दा ख्याल करे, जेड़ी ओनू अच्छे अच्छे खाने बना के खवावे, जेड़ी ओदे कपड़े इस्तरी करे, जेड़ी नाल कुटे भी, जेड़ी ना, हां जी मैं भी कुटदी सी। अच्छा ये कुटदी थी आप, जुबान मतलब कुटन बाने जेबा चेक करदे सी कि विच की है विच की, ते आपणे खावन दी जेबा चेक करनी है, लोका दी ते नहीं कर रही ना, लेकिन मेरी जी आदत नहीं हैगी ना। चले चले, मैं एक मेहमान और रहते हैं उनको बुला लूं, फिर बात करते हैं। आपके पड़ोसी हैं जी, अरे मेहमान आ रहे यार, तुम उनको टांगा रखे। उनको मैंने इसलिए बुलाया कि उन्होंने मुझे बताया है कि जी उनको सारी बातों का पता था, लेकिन उन्होंने बताया क्यों नहीं। हाय उस गल दा तो नहीं पता सी, शायद छाती मार दो होगे। तशरीफ लाते हैं जी, देख ले होवे, तशरीफ लाते हैं पड़ोसी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अच्छा आप इनके पड़ोसी हैं जी? जनाब रशीद उर्फ रशीद ब्लैक मेलर मुझे कहते हैं जी। ब्लैक मेलर क्यों कहते हैं? वो बस जी हर बंदे की खबर होती है, अंदर की कहानी पता होती है। अच्छा पूरे मोहल्ले की खबरें आपके पास हैं? जी जी जी। चले बैठे, बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल बड़ी मेहरबानी, और आपकी भी सारी खबरें मेरे पास है, जरा ध्यान से। अच्छा ठीक है ठीक है, भाभी को बताया तो फिर रोना हो जाएगा। जी एक दफा बहुत सारी तालियां सबके लिए। मेरा घर उजड़ गया, भाई साहब कह रहे ताड़ियां मारो। नहीं मैं तेरा झाटा पुट देना, मैंने तू बाहर मिल, तेरे खाने खराब हो जाए। झाटा पुट देना, पुट दे असि नवा लुआ लांगे। मैंने धोखा दिता, तू तो कहती सी कि मैनू मर्द जात नाल नफरत है, मैनू तो प्यार चाहिदा ही नहीं, मैं तो ब्याह ही नहीं करना, मैं तेरे ते अंधा इतमाद कीता, तेनू घर छड़ के गई, बेगैरत औरत है तू, तेनू याद नहीं आती। एक मिनट मासूमा बहन, आप पता है क्या, आप गलत बात कर रही हैं। तानू नहीं पता है कितनी बड़ी खोचल है, वो उससे ज्यादा कसूर आपके मियां का है। खाने खराब होते मेरी बचपन की दोस्त है ना। हाँ जी इस इनका कसूर है, ये इनको समझाए। मेरे बच्चों की 3 महीने की फीस नहीं गई, तू पैसे फड़ के ओदे नाल ब्याह कर लिया,
ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਵੈੜੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਬਾਤ ਸੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੇਗਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੰਪੈਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਟ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਸੇ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਮੇ ਕੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਓਏ ਤੁਮਨੇ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਕਾਕੂਨ ਸੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਓ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਲਾਇਆ ਬੰਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪ ਕੋ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਤੀ ਇਨਕਾ ਘਰ ਬਸ ਜਾਤਾ ਓ ਜਨਾਬ ਦੇਖੇ ਇਨਕੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੁਝੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਹਾਂ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤ ਕੋ ਛੁਪਾ ਲੇਤਾ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 5000 ਨਹੀਂ ਦਿਆ 5 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਚੰਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਪੱਟਾ ਬਦਲ ਭੈਣਾ ਬਣੀਆਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਸੋਕਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਰੈਂਬੋ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਰੀਏ ਤੇ ਜਰਾ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਜਰਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਖਾਂਦੀ ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰੂਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸੁੱਟ ਦੇ ਛਾਲੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਉਹ ਛਾਲੀਆਂ ਤੂੰ ਖਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਇਸਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹਕੀਮ ਦੋ ਦਵਾਈ ਦੋ ਹਾਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਪੈਸੇ ਜੋੜੋ ਇਸकी ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ ਰੱਜਣ ਲਈ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਂਗੀ ਓਏ ਐਸੇ ਨਾ ਡਾਲੋ ਬੇਲਚੇ ਸੇ ਡਾਲ पिछली जिंदगी बता देंगे आपको तलाक हो जाएगी कोई पिछली इसने नया मोबाइल तोड़ दिया था क्यों किस तरह इसने नया मोबाइल लिया ये ऑन करती थी तो आवाज आती थी हेलो मोटो ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਵੋ ਨਾ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟਾ ਕਹੇਗੇ ਮੋਟੋ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫੋਨ ਮਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੀ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਮਨ ਕੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋ ਅਕੇਲਾ ਘਰ ਮੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਗਲਤੀ ਆਪਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐ ਜਿੰਦਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਮਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਰਹਤਾ ਹੈ ਖਾਮਨ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਮਨ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝੀ ਲਓ ਔਰ ਆਪਨੇ ਕੁੱਕੜੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਮਨ ਕੋ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੇ 7 ਖਾਵਨ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਸੂਮਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਬੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਅਬ ਤੂੰ ਕੀ ਐਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਰਗਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾ ਤੂੰ ਖਾਵਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚੂਚੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੂਚਾ ਕੱਟ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਖਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਚੂਚੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਖਨੀ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤੀ ਚੂਚੇ ਉਧਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਚੂਚੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਲੈ ਐਸੀ ਆਂਟੀਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਐ ਆਂਟੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਂਟੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਦਾਦਾ ਪਰ ਦਾਦਾ ਛੱਡ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਗੋਹ ਦਾ ਦਾਦਾ ਗੋਹ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰਤ ਐਨੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੂਰੇ
मोहल्ले च गंदा करके रास्ता ले। अच्छा एक आप मुझे बताएं, अन्ने मोटे नए नक्शे ली कोई औरत हुंदी पहला? हुंदी ऐ बैठी हुंदी कोई खाना खराब। और मैनू रैंबो साहब ए दुख नहीं, चल व्याह कर लिया सी ना, सारा दिन ओनू बुलांदे कैटरीना तो भी इंजन करके उड़ के आ जांदी। हां उड़ के आ जांदी, उड़ के आ, बदतमीज औरत पूरे बेड़े च पहले नचदी फिर खावंद को भाजी एवें नहीं उड़दी, इहदे पिछे मैं सिलेंडर लो आया। हां जी ते फिर मतलब शौक जो होना कि मैं फ्लाई करना, मैं क्या करो? आप सीएनजी का काम तो नहीं करते? हां वो भी करता हूं, काम तो मैं बड़े बड़े करना जी। अच्छा अच्छा, सीएनजी का कारोबार भी है मेरे, पेट्रोल पंप ते टायरों का काम भी है मेरा। अच्छा ते मतलब वेपर भी मारना फिर। मेरे नसीब माड़े, मैनू पता ही नहीं चलिया इन्हें ब्याह कर लिया। शुरू च दो तीन बारी एक लेट कर आया, मैं क्या जानू किथे सी, कहना पेट्रोल पंप ते रश सी, लेट नाइट में डबल ड्यूटी कर रहा। जब से शादी हुई है ये अब आपके घर नहीं आती? पहले नहीं सी ले आया, एने मैनू दसिया, गल ओपन हुई, हुण मेरे घर लेके आया। अच्छा अब आप इकट्ठे रह रहे हैं? हां जी, ते मेरे बच्चियां नु कह रहे इनू मामा कहो, एदा मुंह है मामा वाला। रैंबो साहब मुर्गे दा पट मिल जाए। हां जी हां जी, मेरी कोई गल इनू पूरा सील कुकर मुंह ते करा दे, पट नाल एदा कुछ नहीं बनना। कुछ नहीं हुंदा, लेग पीस चाहिदा वड्डा, वड्डे बकरे दा। रैंबो जी दो चार जोड़दे हो ना एक बन जाए। रैंबो साहब मार्केट लेके जांदा, एने एने वड्डे बकरे वेख के कहंदी बकरे किने छोटे आण लग गए। गर्दन दी कोटी है? गर्दन दी ना? हां जी हां, चुपण दा शौक है। ये बच्चों को 10-10 रुपए दे के कहती है कि मुझे अलीमा सुल्तान को। यार अलीमा सुल्तान कहती है मुझे क्या नाम है तेरा? रुबीना। रुबीना कहो, बच्चा पैसे देके कहंदी रुबीना कहो। अच्छा मैनू ने 50 रुपए दिते, कहंदा मैनू रुबीना कह, मैनू मेरे रुबीना कह। जिस दिन तू मैनू कल्ली मिल गई ना, तू देख मैं तेरे नाल करनी की आ। जानू जी मैं सिर्फ तादा ते रैंबू जी दा ख्याल कर रही हां। चुप रहना, नहीं ते अल्लाह दी कसम है मैनू पेड़ के रख दे। तू ना कर, तू ना कर, ठीक कर दे, ते तू मेरा हाथ ले रहे हां, फिर तोड़ेगा एक हार है की बम खराब की मैं दस दे, मैं तेरा हो गया, मैं तेरे मैं बैठ हो जाना, मेरा हाथ ले जा, तेरा खावां दे, चल जठो यार क्या हो गया तू? मैनू कमजोर समझ रही है? मैं एडी नाजुक मिजाज नफीस औरत है? ये सख्त औरत है, एडी नाजुक ने गटर तक टकन चुके बंदे से मारता सी। ओ तो मैं लड़न नहीं गया तू बच्चा नु। मैं तैनू दस दियां, जिस दिन आबे दे गम काम ते चला गया तेरा, मैं ओ हाल करांगी कि तू घर जान जोगी भी नहीं रहनी। हाथ छोट मैं काम ते जाना ही। अगर वो ही बात वो कहे जी इसको तलाक दे दो फिर क्या होगा? मेरे दो बच्चे ने, एदे कोल कख नहीं ते होना भी नहीं। किथे ने पहले मुझे मर्जा से नफरत है, मैंने शादी नहीं करनी। झूठी औरत तो नफरत हो ही जाती। अच्छा और मैं आप इन्होंने दरवाजे ने कान ला के सुनी रात, प्यार मोहब्बत गल कर रहे दोवे, इंज प्यार मोहब्बत कर रहे, की कह रहे जैनू साढ़े किन्ने बच्चे होने? कहनी पांच। कहनी फिर ताडे बच्चे ते मेरे बच्चे मिलके साडे बच्चे नू मारनगे। सारे बच्चे इकट्ठे कर दिते ने। ओ तेनु बच्चे पहले ने ते ओ भी मेरे ही होए। रैंबो साहब ये मेरे घर च आई है, मेरे घर दा माहौल खराब हो गया। मैं अपने बच्चियां नु कहया कि ए मेहमान है चले जाणगे। मुंडा मेरा कह रहा है ए केड़े मेहमान है जिदे कोल पापस हो रहे ने। जाहिर है क्या होंदा कोई नाल बंदा लाग सकदा ने। नहीं नहीं अब क्या करेंगी आप? क्या मैं चाहनी हूँ इनू तलाक दे दे, नहीं तो मैं कतल कर देंगी। मैं तेन दस दिया मैं कतल कर देंगी, कुछ ना कुछ मेरे हाथों होएगा। नहीं तो उसका फायदा क्या होगा? आप जेल चली जाएंगी। मैं मुकर जाना, कतल हो गए तो की करना है फिर? की करा मैं जिसने पहली बीवी छोड़ के आपके साथ किया ना, ये आपको छोड़ के आगे भी कर सकता है? कर सकता
दो बच्चे छड़ दिते धोखे नाल तेरे नाल व्याह कर लिया कल कल तीसरी भी लाएगी अगो कहने लगी मैं चावल दम ते रख के बाहर जाना ही नहीं दरबार से क्वालिया करने वाले शिकायतां लाइया क्लियर कर आप इजी हो जाए आप क्या लगते हैं मेरा मतलब पड़ोसी हूँ मेरा हक बनता है कि मैं इस मसले को हल कराने में अपना किरदार अदा करूँ आप करो पहले ही हल कर ले देखो ना वड्डियां गल जड़ी हाँ दसो इस तरह करें जनाब देखें कि इसका हक ज्यादा बनता है yes. देखिए इतनी स्मार्ट खूबसूरत बीवी अल्लाह ने आपको दी हुई है कि लानत पै गई है की मौत पै गई है ये बलडोजर से आपने दूसरी शादी कर ली है ओए अपने बाल ठीक करा लगता बच्चे ने लामा कबाल बनाया तेन मैं दसा तेन फैसला करने की तमीज नहीं है क्या करनी कि यार मैं नवी बुढ़ी छड़ के कि मैं पुरानी दे कोल आ जाऊं मेरे को एक आईडिया है रेंबो साहब मैं तुम्हें जी ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੇਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਕਣਾ ਹੈ ਰੱਬੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਬ ਆਪਕੋ ਤੀਸਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਲੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਦਫਾ ਆਪਕੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੋ ਆਪਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਸਹੇਲੀ ਕਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਰੈਂਬੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਰਬਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਮੈਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਏ ਪੈਣਗੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਸੂਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਟੋਏ ਹਰ ਵਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਾਂਡੀ ਭੁੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੋ ਬੋਟੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਈ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਧੀ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਿੰਟ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚ ਕੋਲ ਬੈਗ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਚੁੰਗਲਾ ਦੇ ਦਨੀਆਂ ਕਰ ਚੁਹਾਨੀ ਨਾ ਭਰੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਕਰੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬੇਚਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪੈੜਾ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੇਗੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਰੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਚੱਕਰੀ ਤੁੜਵਾ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਨੀ ਕਰ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਚਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਆਪਕੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਪਕੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਅੰਮੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਬੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਡੀਲ ਮਤਲਬ ਅੱਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਆ ਤੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਆ ਦਾਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ 8 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਚੌਕਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚਵਲ ਖਾਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਬ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਕੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਐ ਦੁਖੇ ਐ ਦੁਖੇ ਕਿਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੀ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁੜੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਾ ਟੁੱਟ ਦੇ ਕੌਣ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਅੰਡਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੁਬੀਨਾ ਬਹਿਨ ਜੀ ਜੀ ਅਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਜੀ ਜੀ एक बीबी के होते हुए इन्होंने आपसे की जी अब आपके होते हुए ये तीसरी और चौथी भी कर सकते हैं आपने सुन लिया बिल्कुल, बिल्कुल इनके दादा ने भी की है और बाप ने भी की ये खानदानी साडा कॉमन खेल अच्छा तो ये तीसरी और चौथी करेंगे आप मैं करूंगा जी जरूर करूंगा देखो ना अभी अभी आपके खलका सा डेमो में देती हूं देखो इजाजत है ये करो तुम अच्छा मैंने कहा जानू तो चंगी है जानू
खाना खराब ना हो इधर आ जाओ। हाँ जी ठंड पै गई। हाँ जी करेंगे आप शादी? हाँ जी टोटा करके दूर दूर सुटांगे ताकि जोड़ना जाए। ना 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 तत्ता सरिया करके ना मैं कहनी है ठंडा पानी करके ना। वैसे क्या बात है, तीसरी शादी की धमकी ने इन दोनों को एक कर दिया। ये होता है, कोई औरत सोकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ। लेकिन इनकी हिम्मत है, इन्होंने आपको बर्दाश्त किया और आप नहीं बर्दाश्त कर पा रही। हाँ, नहीं कर पा रही। अब आप एक हो गई हैं। हाँ। तो तीसरी ना ले मैं आके वखा तू लोड़ में इतने दो करा लेंगे। बीवी है के बर्गर है, दो करा लेगा। दो करा लेंगे। चले जी, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आगे बीच में साथ खड़े हो। चले अल्लाह आपको खुश रखे, लेकिन उम्मीद नहीं है। बहुत मेहरबानी पाजी, दुआ मां दी अल्लाह तुहानू भी लम्मी जिंदगी दे, उम्मीद सानू भी नहीं। मतलब होंगे दुआ जरूरी तो नहीं ना। चलिए जी, चलो चलो। की गल? चलो की? चलो गल करनी, बच्चों की गल करनी। आप भी मोहल्लेदारी का हक अदा करें, अगर इस तरह के कोई हालात हो तो पहले ही आप जरा संभाल लिया करें। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। खवातीन हज़रात, शो का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा। आप भी तशरीफ ले। अच्छा जाना है। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।